आपको बता दें आज से लेकर अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के राज्यों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक खराब मौसम की स्थिति बने रहने की संभावना है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार आपको बता दें मानसून उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ा है। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। आपको बता दें अगले 3 दिनों के दौरान चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ भी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके और पूर्वी मानसून के संयुक्त प्रभाव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों में व्यापक रूप से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम में ऐसी तीव्र स्थिति के कारण IMD ने आपको बता दें अगले 1-2 दिनों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही अधिकारियों और लोगों से सावधान रहने का आग्रह किया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एडवाइजरी में लोगों को मौजूदा खराब मौसम की स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि इन दिनों UP में खूब बारिश हो रही है। खासतौर पर पूर्वी UP में जबरदस्त बारिश हो रही है। कई जगहों पर नदियों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों में प्रदेश के पूर्वी इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जाहिर की है। ताजा अध्ययन के मुताबिक तेज बारिश की जद में 31 जिले आएंगे। इनमें से कुछ जिलों में भारी बारिश तो कहीं पर बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आपको बता दें आज सुबह से कल सुबह तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने कल को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की है। पूरे प्रदेश में आपको बता दें 1-2 दिन तक कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी यूपी में कहीं हल्की तो कहीं सामान्य बारिश हुई। पूर्वी यूपी में कहीं कहीं भारी बारिश होने के भी समाचार मिले हैं। वीडियो के आखिर में आपको बता दें कि अगले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग का अलर्ट है कि यूपी में 1-2 दिन तक धमाकेदार बारिश होगी। मौसम के बारे में जानकारी देने वाली निजी क्षेत्र की संस्था स्काईमेट के अनुसार इस वक्त दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। आपको बता दें मौसम विभाग IMD ने जानकारी देते हुए कहा कि कम दबाव के क्षेत्र के चलते अगले 24 घंटों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजातरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।